हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय वीडियो। आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि सी के अंदर हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसको किस तरह से प्रिंट करना है, कंट्रोल स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करना है, ओके, वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस तरह से इनिशियलाइजेशन होनी है और वेरिएबल की वैल्यू किस तरह से प्रिंट होनी है, ओके। तो आज हम इसके अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनको किस तरह से करते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम क्या सॉल्व करें, ये कहाँ चलेगा, ओके। देखिए, इसके अंदर जो सबसे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूँगा, अभी आपने पीछे आपने एक प्रोग्राम देखा होगा सम, ओके, 2 नंबर को सम कैसे करते हैं। आज हम इसके अंदर क्या चेक करेंगे कि क्या करें, मेरे पास एक टेम्परेचर है, ओके, उस टेम्परेचर की वैल्यू मैंने फ़ारेनहाइट के अंदर दिया है। किसके अंदर दिया, फ़ारेनहाइट के अंदर। मान लो सपोज करो नंबर नाइन, मैंने 97 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दे दिया। अब इस जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, इस फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को मुझे चेंज करना है सेल्सियस के अंदर। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से किसी भी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में चेंज करते हैं कि उसका फॉर्मूला होता क्या है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, तभी जाके आप इसके अंदर आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सपोज कीजिए, अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट में चेंज सेल्सियस में चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक एल्गोरिथम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक एल्गोरिथम होता है, मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया था। जैसे यहाँ पे स्टेप वन में हमने क्या टाइप किया था, स्टार्ट किया था, ओके। स्टेप 2, इसमें ये मैंने लेक्चर, मैंने इसी प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर नंबर 2 के अंदर ये मैंने लेक्चर तैयार किया है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। आप उसको और अच्छे से समझना चाहते हो एल्गोरिथम फ्लो चार्ट को, तो आप मेरे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या क्या इनपुट किया, इनपुट मुझे क्या करना है, टेम्परेचर करना है। अब वो जो टेम्परेचर आपको इनपुट करना है, फ़ारेनहाइट में करना है कि सेल्सियस में करना है, तो पहले तो क्वेश्चन में यही एनालाइज होना चाहिए कि मान लो आप टेम्परेचर यदि आप फ़ारेनहाइट में इनपुट कर रहे हैं, तो आप उसका आंसर किस में लेके आएंगे, सेल्सियस में लेके आएंगे। अगर यदि आप सेल्सियस में इनपुट कर रहे हैं, तो आंसर किस में लेके आएंगे, आप फ़ारेनहाइट में लेके आएंगे। तो मैंने टेम्परेचर किस में इनपुट किया, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ उसको। उसके बाद स्टेप थर्ड क्या बोलता है, स्टेप थर्ड आपको इसका सेल्सियस निकालना है। तो सेल्सियस निकालने के लिए मुझे अलग से एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, मैंने उसको CT मान लिया। अब क्या फॉर्मूला होता है ये भी पता होना चाहिए सेल्सियस में निकालने का। जितना आपके पास फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है, उसमें से -32 करेंगे और यहाँ पे ×5/, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। कितना आ जाएगा, 9। ये एक इसका फॉर्मूला होता है कि किसी भी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को आप सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। तो पहले आप ये देखिएगा, जो ये वाली कैलकुलेशन है, ये सब कैलकुलेट हुए किस वेरिएबल में असाइन हो गया, ये CT वेरिएबल में असाइन हो गया। तो हम अब क्या करेंगे, स्टेप 4 को यहाँ पे, स्टेप 4 के अंदर हम यहाँ प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आप कर देंगे यहाँ पे CT, ओके। इसके बाद स्टेप 5 क्या होगा, स्टेप 5 आपका यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, आपके एल्गोरिथम स्टॉप, क्लियर। अब यही क्वेश्चन आपको सी के अंदर कोड में तैयार है, तो वही सबसे पहले मैं सब लाइन ओपन कर लेता हूँ, ओके। ये सब लाइन ओपन हो चुका है, अब मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाके न्यू, और यहाँ पे इसको मैं इसका कोड सेव कर लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया, यहाँ पे temperature.c, मैंने कोड का नाम temperature.c सेव कर दिया, और यहाँ पे मैंने वही अपनी लाइब्रेरी फाइल को ओपन किया, studio.h। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन लगाने के बाद यहाँ पे बॉडी, बॉडी लगाने के बाद में आपको किस डेटा टाइप में काम करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको डबल में करना है, फ्लॉट में करना है, इंटीजर में, तो मुझे इंटीजर में काम करना है, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप लिया, और यहाँ पे 2 वेरिएबल ले ली, एक FT ले ली और एक मैंने यहाँ पे CT। तो ये वाली जो लाइन होती है ना, इस वाली लाइन को बोलते हैं क्या, इस वाली लाइन को बोलते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट।
अगर आप इस चीज को इस तरह से लिखेंगे, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, तो कंपाइलर जब इस लाइन को पढ़ेगा तो इस लाइन में एक एरर आ जाएगी, ये चीज यहाँ वैलिड माने इनवैलिड माना जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ नोट्स देना चाहे, तो सी के अंदर एक चीज होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो किसी भी सी के अंदर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि अगर आपको नोट्स दिखाना है आप क्या चीज कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन होता क्या एक तरह से कि प्रोग्रामर, जिससे कि कोई भी दूसरा प्रोग्रामर आए तो मेरे उस कोड को वो इजीली समझ ले कि अब मैंने इस कोड के अंदर क्या किया है, यानी कि मैं कुछ नोट्स लिखना चाहता हूँ। यदि आप इसके अंदर कुछ नोट्स देखना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन दो तरीके से लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन को हम कमेंट्स भी बोलते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अगर आपको कोई लाइन कमेंट्स देना है, उसके बारे में कुछ बताना है, टाइप करना है उसके बारे में, तो वहाँ पे आप दो तरीके से आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, यानी कि दो तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं। एक तरीका तो है कि दो बार आप स्लेस लगाइएगा और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ये कौन सा लाइन स्टेटमेंट आपका? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। ये जो स्लेस लगाया ना, ये डबल स्लेस केवल एक स्पेसिफिक लाइन के लिए होता है, ये पूरी एक पर्टिकुलर लाइन के लिए होगा, केवल इसी लाइन ही के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट लाइन में कमेंट करेंगे तो वो कमेंट नहीं होगा। देखिए, अगर मैं नेक्स्ट लाइन में करना चाहूँगा तो नेक्स्ट लाइन में नहीं होगा। अभी आपको शायद ये समझ नहीं आएगा, तो मैं पहले आपको इस कोड को बना के कंपाइल करके तब करता हूँ इसको, अभी ही नहीं करते इसको। सपोज कीजिए मैंने एफटी की जो वैल्यू किया है, मैंने 98 यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया, और आपको ये पता है कि ये किस लिए लगता है? लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, इसको हम सेमी कोलन बोलते हैं, ये याद रखना। अभी 98 क्या हुआ? असाइन हो चुका किस वेरिएबल के अंदर? एफटी वेरिएबल के अंदर। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको सेल्सियस में चेंज करना, तो सेल्सियस सीटी इक्वल्स टू, अब आप क्या करेंगे, जितना आपके पास फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है उसमें से -32 करेंगे, उसके बाद -5 और यहाँ पे अपॉन 9 हो जाएगा। ओके, चाहे तो आप इसका आंसर प्लॉट में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आ, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फ़ारेनहाइट सेल्सियस टेम्परेचर, क्या सेल्सियस टेम्परेचर शॉर्ट में लिख देता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका परसेंट डी कॉमा और उसके बाद में सीटी। आपको ये तो पता होगा परसेंट डी क्यों लगा है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया। यदि इसके बारे में आपको समझना है तो मेरा आप उसके दिए यानी कि फोर्थ लेक्चर आप उसको देख सकते हैं। ओके, और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, लास्ट टाइम में इसको सेव करेंगे। अब इस कोड को मुझे कंपाइल करना है, तो कंपाइल करने के लिए वही आपको पहले तो अपनी कोड की लोकेशन पता होनी चाहिए कि आपका कोड कहाँ पर सेव है। आपका कोड कहाँ पर सेव है? सी ड्राइव के अंदर कोड नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर आपका ऑनलाइन स्टडी नाम का एक फोल्डर मिलेगा और वहाँ पे temperature.c नाम की फाइल है, तो इस फाइल को आप कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए आपको स्टार्ट में जाना और यहाँ पे टाइप करना है कमांड। ठीक है, जैसे आप कमांड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टर्मिनल स्क्रीन ओपन होके आ जाएगा। अब इस लोकेशन पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना है, इस वाली लोकेशन को विजिट करना है। तो यहाँ पर विजिट करने के लिए, यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सीडी और यहाँ पे एक स्लेस होता है बेक स्लेस, एक तो इस तरह का होता है और एक इस तरह का होता है, ये होता है फॉरवर्ड, ये नहीं, आपको ये वाला यूज करना है। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है जिस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, यानी कि मैं फिलहाल किस फोल्डर के अंदर हूँ, मुजाह नाम का फोल्डर है इसके अंदर, तो इस फोल्डर से मैं एग्जिट होना चाहता हूँ तो आपको सीडी बेक स्लेस करके एंटर कर देना है, तो आप उससे एग्जिट हो जाओगे। किसी भी फोल्डर के अंदर एंट्री करने के लिए आप पहले सीडी टाइप करेंगे, आपके फोल्डर का नाम क्या है, कोड। ओके, देखिए एंट्री होगी, फिर सीडी, आपका नेक्स्ट कोड, नेक्स्ट फोल्डर क्या है, ऑनलाइन स्टडी, और उसके बाद एंटर कर देंगे, उसके अंदर भी एंट्री होगी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इस फाइल को कंपाइल करना चाहता हूँ, तो किसी भी फाइल को, सी की फाइल को कंपाइल करने के लिए आपको क्या टाइप करना है, GCC, क्या करेंगे, GCC, और यहाँ पे आपकी जो फाइल का नाम क्या है वो है temperature.c, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए अभी फिलहाल मेरे कोड में कोई एरर नहीं है, मेरा कोड सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। अब इसका आउटपुट देखने के लिए, इसको रन करने के लिए आपको क्या करना है, ए प्रेस करके यहाँ पर एंटर कर देना है, तो आपका कोड यहाँ पे कंपाइल हो जा रहा है, रन हो रहा है, वेट कीजिए। देखिए आपने 98 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंटर किया था, उस 98 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के अंदर आपका
कितना सेल्सियस? 36 सेल्सियस है। चेक कर लो, माइक चेक कर लो, माइक इसका ऊपर वन सेट। देखिए इसमें कितना आ गया आपका, 36 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर आ चुका है। ओके, तो यदि आप इस तरह से कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप उस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आपके पास कोई भी टेम्परेचर वगैरह है, ये क्वेश्चन मैंने किस में किया, फ़ारेनहाइट से किस में चेंज किया, मैंने इसको सेल्सियस में चेंज किया। ये अब आपको क्या करना है, आपको सेल्सियस में इनपुट करना। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको सेल्सियस में इनपुट करना है और आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। मैंने इसको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में किया, तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। ओके, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपके आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।